के बिजनेस में चले गए तो लोग लूट लेंगे। हेलो, फौजी आदमी रिटायर होके आते हैं 20-25 लाख रुपए होते हैं और बिना तजुर्बे के किसी के साथ फंस गए तो खाली कर देते हैं लोग, हैं? तजुर्बा भी जरूरी है ना, और तजुर्बे के साथ साथ रिस्क भी है। उसको रिस्क को उठाने के लिए आपका दिल मजबूत होना चाहिए। अगर डूब जाए तो मरो नहीं, हैं? ऐसा मजबूत दिल भी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप काम कोई भी करोगे, अगर आपको लगता है कि यहाँ मंडी के पास में सब्जी पूड़ी अच्छी बिकती हैं और आपने वही काम शुरू कर दिया तो ज़्यादा दिन तक आपकी सब्जी पूड़ी अच्छी नहीं बिकेंगी, क्योंकि 4-5 दुकान बहुत जल्दी वहाँ खुल जाएंगी। उसे रोक लोगे क्या? कंपटीशन छोटे लेवल पर नहीं, कंपटीशन बड़े लेवल पर भी है। अच्छा चल रहा था लोगों का वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, और बीच में से कौन आ गया? ये उसके लिए दुआ दे रहे हो या उसका नाम बता रहे हो? हाँ जी, मुकेश अंबानी के लिए दुआ दे रहे हो आप या नाम बता रहे हो? वैसे दुआ भी है, हैं? पहले डेटा खर्च करते थे तो 1-1 MB को नाप नाप के, और अब जीबी की जीबी उड़ा रहे हैं। अरे मेरे पास 100 GB बैलेंस है। अब जो वेबसाइट एक बार खुल जाती है तो आसानी से बंद नहीं होती अब, हैं? और पहले क्या रहता था, टुल टुल करके मैसेज आ जाता था बंद तुरंत, हैं? तो कंपटीशन वहां भी आ गया। जियो है, बैंड बजा दी सबकी, तो कंपटीशन से बड़े बड़े तगड़े जो दिग्गज हैं वो लोग भी नहीं बच पा रहे। तो बिजनेस में पहली बात तो करोड़ों रुपए चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और रिस्क चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपको बधाई, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहली बात तो करोड़ों रुपए नहीं है, दूसरी चीज़ तजुर्बा नहीं है और रिस्क नहीं झेल सकते, तो हम आपको सिफारिश करते हैं आप सेफ शॉप में काम करो, आप यहाँ से डायमंड बनो और आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। थैंक यू। सोर्स ऑफ इनकम के लिए हमारे पास खेती भी एक तरीके से एक साधन है जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं, और लाखों रुपए महीने कमाने के लिए अगर हम जमीन से पैसा कमाना चाहते हैं, खेती से पैसा कमाना चाहते हैं, तो सैकड़ों बीघा जमीन चाहिए। 1 एकड़ में आ सकते हैं लाखों रुपए महीने? कई लोग बोले नहीं, आ सकते हैं क्या? वेरी गुड, नहीं आ सकते। अफीम की करोगे तो अलग बात है, नॉर्मली तो धान से गेहूं से तो नहीं आने वाले। उसमें भी क्या है, अगर मान लो आपके पास सैकड़ों बीघा जमीन अगर आप लीज वगैरह पर भी ले लेते हो तो उसमें भी फिर मौसम की मार है, है कि नहीं? भगवान जी की टोंटी है, क्या पता ज्यादा खोल दी कभी तो बाढ़ ही बाढ़ दिखती है, हैं? सावर तगड़ा है ना उनका, और किसी बार भूल गए वो खोलना तो सूखा ही पड़ जाती है। अब उनका क्या मूड है, उनको कब नहाना है, उनका सावर कब चलेगा कब नहीं नहाना है? और मान लो कि सब कुछ ठीक रहा, भगवान जी भी पटा लिए, आपने सिन्नी विन्नी बोल के कई लोग पटा लेते हैं, बरसात सही रही, अगर मौसम बढ़िया रहा तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होते क्या होता है फिर? मंदी की मार। अगर टमाटर अच्छे हो गए तो फिर हर गली में क्या दिखता है? टमाटर ही दिखते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो सब कुछ वहां भगवान भरोसे है। बेटे ने बोला साइकिल दिला दो, बोले भगवान जी चाहेंगे तो आ जाएगी, आपके हाथ में कुछ भी नहीं। वैसे तो सारी दुनिया ही भगवान भरोसे है, पर लेकिन ये किसान आदमी को ज्यादा ही भगवान भरोसे है, ऐसा है कि नहीं? एक बिजनेसमैन की फैमिली बरसात को एंजॉय कर रही होती है, लेकिन उसी बरसात में एक किसान रो रहा होता है और एक किसान हंस रहा होता है। अलग अलग, जिसकी फसल उठ के आ गई घर पहुंच गई तो उसको उसके बाद परेवट करनी थी, वो तो खुश हो रहा है, अलग और आंधे, और दूसरे का पड़ा रह गया, अरे यार रोक ले, भगवान जी भी कन्फ्यूज है साला, चक्कर क्या है? हेलो, बिजनेसमैन फिट है, वो अपनी 2-व्हीलर लेके निकल जाएगा, मैरिया पीछे होगी और धुआंधार गाने गा रहा, रिम झिम बरसा पानी है, यस या नो? तो ये जिंदगी है। मैं भी एक किसान का बच्चा हूं और जिंदगी में कभी भी धूल मिट्टी में जिंदगी रहती है, कोई सपने तो पूरे हो नहीं रहे, किसान की बहुत बुरी हालत है। कहीं अगर आंदोलन करने चाहो तो सरकार डंडे चला रही है, कहीं गोलियां चला रही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, मांगे कभी पूरी नहीं हो सकती। तो चाहो तो आप अपनी एक इस तरीके से भी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो मेरी तरह जैसे मैं एक किसान का बच्चा था, वहां से निकल के आ गया और आज एक टॉप क्लास बिजनेसमैन बन गया और लाखों रुपए महीने की इनकम, करोड़ों रुपए साल का कमाता हूं, आप भी ऐसा कर सकते हैं सेफ शॉप के माध्यम से, मौका आपके पास है, यस या नो? 4 तरीके के लोग आज मार्केट में आपको जिंदगी जीने वाले मिलेंगे।
पहले टाइप के जो लोग हैं उनके पास अगर आप देखोगे नो मनी लॉट ऑफ टाइम, उनके पास पैसा नहीं है, समय बहुत सारा है, ऐसे लोग मार्केट में हैं कि नहीं? अगर आप इन लोगों को देखेंगे तो कहीं भी चले जाओ आप गांव में, आपको कहीं एक चौपाल पर झुंड मिल जाएगा पूरा, और ऐसा लगेगा कोई मर गया क्या रे? बोले नहीं, तो बोले फिर कैसे इकट्ठे हो रहे? बोले ताश देख रहे हैं पूरा, मतलब चार लोग खेल रहे होंगे, 25-30 कम से कम देख रहे होंगे हैं, और पूरी एनर्जी लगा लगा करके, ये गुलाम, अरे तेरे गुलाम की चल रही है, बादशाह आ रहा है, अरे रोक ले बादशाह को, बेगम खड़ी है इधर है, और ऐसे फेंकते हैं ताशों को, फाड़ देते हैं कई बार तो, है जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर बॉम्ब गिरा दिया क्या? क्या है उनका कारण, क्यों खेल रहे हैं वो इतने ताश? नो मनी लॉट ऑफ टाइम, तो क्या करेंगे फिर, ताश ही खेल लें? यस या नो? ऐसे लोग कहीं भी आपको रामलीला हो रही हो, जागरण, भागवत, वहां खूब भीड़ भड़ा आंदोलन में जाते हो, इसके अलावा कोई राजनीतिक रैली, आज अगर बोले भाजपा की है तो भाजपा के संग, और कल कांग्रेस की है तो उसके संग, सब्जी पूड़ी पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कुछ भी करवाओ, पौआ मिले तो रात भी तुम्हारी, ऐसे हैं कि नहीं? नो मनी लॉट ऑफ टाइम, जहां ले चलो वहीं चले जाएंगे ये लोग, इनके पास पैसा है नहीं, समय समय है, ऐसे इस तरीके की कैटेगरी के लोग आपने बहुत सारे मार्केट में देखे होंगे, देखें कि नहीं देखें? दूसरी कैटेगरी जो होती है लॉट ऑफ मनी बट नो टाइम, उनके पास पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है, वो किसी आदमी से मिलने जाएंगे तो उसकी शक्ल कम देखेंगे, घड़ी ज्यादा देखेंगे। हेलो, ऐसी प्रजाति के एक आध यहां भी बैठे होंगे, थोड़ी देर बाद ही उनको कोई काम याद आ जाएगा, मैं कितना भी तगड़ा भाषण दूं वो बीच में से उठ के पक्का जाएंगे यहां से, अरे जसवीर जी आप क्या समझते हो, टाइम कहां है मेरे पास हैं? तो सोच रहे इनको कैसे पता चला। ऐसे प्रजाति के लोग बोलते हैं कि मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। झूठे आदमी, यमराज जी कहीं अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, आप फ्री हो तो आ जाऊं है? बोलो जो बिजी होगा वो मरेगा ही नहीं, मरने की भी फुर्सत नहीं है। हेलो, ये लोगों का ये नहीं पता रहता कि ये शादी में गए किसकी किससे हो रही है, ये बता नहीं सकते, बिजी इतने। इनकी मैडम ने अगर बोला कि गोवा चलना है तो मैडम गोवा जाएगी तो जरूर, लेकिन साडू के संग, अपने संग नहीं जा सकती है, टाइम ही नहीं अगले आदमी पे। ऐसी प्रजाति है मार्केट में कि नहीं? लॉट ऑफ मनी बट नो टाइम, बोलते पैसा ले जा, तुम लोग मजे करो, मुझे फ्री छोड़ो। तीसरी कैटेगरी है नो मनी नो टाइम, इन पर दोनों में से कुछ नहीं है, न समय है न पैसा है, ये कौन लोग हैं? इनकी अगर अपन लोग बात करें, कम आमदनी में एक कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हैं 12-15 घंटे का, तो इनके पास में क्या रहता है, न समय होता है 12-15 घंटे के लिए, वहां बिजी हो गए, और इनको तनख्वाह मिलती है 10,000-15,000। आज के टाइम में 10,000-15,000 की तनख्वाह, ऐसे मान लो जैसे नॉर्मल तार जो है गलती से LT वाला जो तार है और 11,000 वाली लाइन पर डाल दिया जाए, क्या होगा फिर? झुर्र कर जाएगा है? ऐसे इनकी तनख्वाह आती है, जब मैं ऐसे झुर्र कर जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ आई और कहाँ चली गई। तो ये क्या बोलते हैं, इनसे बोलो समय है, बोले नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, पैसा है, बोले ना वो भी नहीं है मेरे पास। ऐसे लोग NCR के आसपास बहुत मिलते हैं, वहाँ पे आएंगे कहीं से भी आखिर नौकरी करेंगे तो बिजी रहते हैं 15-15 घंटे के लिए, और पैसा उनके पास बिल्कुल नहीं रहता। उनको प्लान दिखाते हैं, वो सबसे पहले बोलते हैं पहली बात तो मेरे पास 10,000 रुपये ही नहीं है, दूसरी बात मैं दो बना सकूं इतना मेरे पास टाइम नहीं है, हैं भगवान इसका भला करे, क्या कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी कौन सी है? लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम, जिनके पास समय भी खूब है और पैसा भी खूब है। हाँ जी, ये कौन होते हैं? ये बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और इनके पास हर काम को संभालने के लिए आइटम इन्होंने हायर किए हुए हैं, वो इनके काम को देखते रहते हैं, इनके प्रेजेंट होने से न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको ऐसे लोग देखने के लिए चाहिए तो हमारे टीम में, हमारे नेटवर्क में डायमंड लोग होते हैं, जिनके पास पैसा भी खूब होता है और समय भी खूब होता है। आप चाहते हैं ऐसी जिंदगी, लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम वाली?
तो आपको सेफ शॉप करनी चाहिए, इसलिए हम सिफारिश करते हैं। सेफ शॉप के अलावा भी बहुत सारी नेट मार्केटिंग कंपनी मार्केट में है, लेकिन हम लोग सेफ शॉप की ही सिफारिश क्यों करते हैं, इसलिए कि ये 18 साल पुरानी है। हेलो, प्लान तो बहुत सारे आते हैं कि ये फलानी में आ जाओ। आजकल बिटकॉइन बहुत तगड़ा चल रहा है, आया था किधर चल रहा है, हैं? तो चल तो तगड़ा रहा था, लेकिन इतना भी तगड़ा नहीं चले कि हाथ में ही नहीं आए फिर। हाँ जी, और भी आए कई भविष्य बनाने वाले, अंग्रेजी में कुछ कहेंगे उनको, अच्छा है, ऑफिशियली माइक पे नाम नहीं ले सकते। हेलो, किसका बना रहे हैं फिर वो? तो ऐसे प्लान मार्केट में बहुत सारे, उन कंपनियों की कोई साख नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई मालूम नहीं वो आज हैं या कल नहीं है। वादे कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस वादे को पूरा करने के लिए मार्केट में टिके रहना सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको बधाई देता हूं, सेफ शॉप वो वट वृक्ष है जो 18 साल से खड़ा हुआ है, दमदारी के साथ खड़ा हुआ है। और इस कंपनी पे आप इसी बात से ट्रस्ट कर सकते हो। कई लोगों को बस शक यही रहता है ये भाग तो नहीं जाएगी। हेलो, तो भागने की भी एक एज होती है, हैं? जो 18 साल से रह रही है, अब बुढ़िया कहां भागेगी ये बताओ। और जिसके 80 लाख बच्चे हों वो कहां भागेगी। हेलो, दूसरी बात ये है कि भागने की कई टेक्निकल वजह भी होती हैं। ये तो हमारा इमोशनल बिलीव है कि सेफ शॉप हमारी माँ, ये कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन अगर टेक्निकल वजह भी देखोगे तो कोई डिपार्टमेंट होता होगा जो इनको भगाता होगा, हैं? तो उस डिपार्टमेंट को कंपनी भगाओ डिपार्टमेंट, ऐसे मान लेते हैं, हैं? नाम तो पता नहीं कौन सा वाला माने, कोई भी मान लो एक्स वाई जेड, तो उस डिपार्टमेंट को A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली का पता मालूम होगा कि नहीं होगा। सर तो बोले नहीं, सर मालूम होगा कि नहीं? अच्छा, तो वो डिपार्टमेंट वहां जा सकता है कि नहीं जा सकता? वहां का वीजा मिल सकता है उसको? जनकपुरी नई दिल्ली जाने का मिल सकता है? वो गया भी होगा कि नहीं गया होगा? अरे बोल ही नहीं रहे, गया होगा कि नहीं? मार्केट में सेफ शॉप नाम की कंपनी चल रही है, ये बात सरकार की जानकारी में होगी कि नहीं होगी? सरकार का कोई नुमाइंदा वहां गया होगा कि नहीं गया होगा? 18 साल में एक आध बार गया होगा या कई बार गया होगा? और कई बार जाने के बाद भी अगर ये नहीं भागी है तो इसका मतलब क्या? ये भागने वाली नहीं है, ये सब कुछ फिट है, ये हमेशा ऐसे ही खड़ी रहेगी जैसे आज खड़ी है, ऐसे ही खड़ी रहेगी, इस पे आप भरोसा कर सकते हो। हेलो, कई लोग हैं नेगेटिव हो जाते हैं, सर मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखा, सेफ शॉप फर्जी कंपनी, उसके एजेंट गिरफ्तार। मैं उनको बताना चाहता हूं, बेटा वो पार्ट वन था, यूट्यूब पर जो देखा वो क्या था, पिक्चर का पार्ट वन। हेलो, पार्ट टू तो चुरकुट ने डाला ही नहीं। मीटिंग में पुलिस आई, दिस इज पार्ट वन। पुलिस जो है सेफ शॉप के एजेंटों को ले गई, सेफ शॉप की इंक्वायरी की, यस दिस इज अ पार्ट वन। फिर आगे क्या, आगे क्या, उनको फांसी पर लटका दिया गया, सेफ शॉप बंद। हेलो, पार्ट टू देखना तो इधर मीटिंग में आके देख ले बेटा, इधर पार्ट टू चल रहा है, यस या नो? ओ चुरकुट को मालूम ही नहीं है पार्ट टू है क्या, उसको जितना मालूम था उतना उसने कर दिया। एक बार मैं और महागुरुजी लखनऊ से आ रहे थे, इलेक्शन का टाइम था, फिरोजाबाद में हम लोग गाड़ी हमारी रोक ली, और रोकने के बाद में वहां पे पुलिस वालों ने चेकिंग वेकिंग की, और वहां मीडिया वाले भी थे, उन्होंने फोटो वोटो खींचे। उसके बाद में अगले दिन न्यूज़पेपर में फोटो छपी हमारी गाड़ी की और हमारी, तो एक बंदे ने सीधा फोन किया मेरे पास फिरोजाबाद से, सिकोहाबाद से, गुरुजी आपकी गाड़ी पकड़ गई है, आपको पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने हाँ भाई पकड़ तो लिया था, अब गुरुजी आपकी गाड़ी कहाँ है? मैंने मेरे घर ही है। ओ माय गॉड गुरुजी क्यों पकड़ लिया आपको, यहाँ तो बहुत सारे लोग नेगेटिव हो रहे हैं। मैंने क्यों हो रहे हैं? बोले आपके गुरुजी को पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा पकड़ा तो सही था, लेकिन छोड़ भी साथ के साथ दिया था। पकड़ा किसके लिए था? ये ही पकड़ा था कि साहब आपके पास कोई कैश वैश तो नहीं है?
और न्यूज़पेपर में छपा क्या था? पुलिस ने अपना काम मुस्तैदी से किया, क्या अमीर और क्या गरीब, क्या नैनो और क्या बीएमडब्ल्यू, सबको रोक रोक करके चेक किया जा रहा है। हेलो, वो उसको नीचे नहीं देख रहा कि नीचे क्या लिखा है, वो बस ये देख रहा है कि हाँ भाई पुलिस खड़ी है, महागुरु जी खड़े और उनकी गाड़ी है। हमने तो बोल के उसको फोटो खिंचवाई थी, बोले भाई छाप दोगे कि नहीं, बोले सर आपकी जरूर छपेगी। हेलो, लोग जरा जरा सी बातों को लेकर के, कंपनी को लेकर के कुछ भी ऊटपटांग सोचने लग जाते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ साहब, कंपनी 18 साल से चल रही है और कंपनी का एक लीगल पूरा एक डिपार्टमेंट है जो इन सारी चीज़ों को देखता है, और जो सीधा आज के टाइम में भारत में जो हमारा कैपिटल राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के अंदर ही बैठते हैं वो, और हर एक लीगल इशू को टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ की सबसे बड़ी एक जो अदालत है, और वहाँ वो अपना सारी के सारी चीज़ों को मेंटेन किए हुए हैं हर तरीके से, होम मिनिस्ट्री से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं वो सारे के सारे दिल्ली में, और अपनी कंपनी कहाँ है, और सारी चीज़ों को प्रॉपरली काम कर रही है। और आप आगे के लिए भी भरोसा कर लो, ये कंपनी अगले 1000 साल तक भी कहीं जाने वाली नहीं है। थैंक यू। कंपनी में काम करने की वजह ये भी है कि इसके प्रोडक्ट सबसे दमदार हैं। लोग पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट लेके आते हैं, समझ में नहीं आते। हमारे प्रोडक्ट इतने धांस हुए हैं कि आप किसी भी बेलदार आदमी को पहना दो, किसको, उसको भी लोग बाऊजी बोलेंगे, साहब बोलेंगे, और बारात में चला गया तो रसगुल्ला फ्री। हेलो, ज्यादा मिलेंगे। हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है कि आदमी नॉर्मली कच्चा बनाने में कहीं चले जाए तो लोग भगोना पहुंचने के लिए दे दें उसको, हमारे प्रोडक्ट में जाएगा तो कुर्सी फ्री मिलेगी उसको। कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि कोट पेंट वाले को बोले तू भगोना दे दे। प्रोडक्ट दमदार है कि नहीं? और आजकल अपन काम कर रहे हैं आयुर्वेदिक में, अभी अपने हर्बल प्रोडक्ट आए, बहुत ही धांसू प्रोडक्ट है, हाओमा, हाँ जी, प्रोडक्ट कितना दमदार है ये तो आप एक बोतल नोनी की पी के देख लो, हाँ जी, फिर आप खुद ही बोलोगे हाओमा बहुत दमदार चीज है। हेलो, तो आज के टाइम में जिस प्रोडक्ट ने अपनी कंपनी ने जिस प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया है वो सबसे धांसू प्रोडक्ट है मार्केट में। इसका कोई भी किसी भी मामले में, क्वालिटी के मामले में, रेट के मामले में किसी से टक्कर नहीं है, सबसे धांसू प्रोडक्ट अपनी कंपनी देती है। प्लान की अगर अपन लोग बात करें, सबसे आसान प्लान है। कई कंपनियों का प्लान इतना टफ होता है कि उसका डायरेक्टर भी उस प्लान को नहीं समझा सकता कि ये चल कैसे रहा है। बोला चल रहा है, बस कब तक चल रहा है, बोले जब तक चल जाए तब तक चल रहा है, हाँ जी। हमारा प्लान इतना आसान है कि 5 मिनट नहीं होती उससे पहले प्लान समझ में आ जाता है बंदे को, यस या नो। सबसे धांसू प्लान है। कंपनी का मैनेजमेंट ISO लेवल का है और कंपनी इंडियन है। कैसी है? अगर कंपनी अमेरिकन हो और वो समझे ही नहीं कि इंडियन लोगों की क्या मेंटेलिटी है और इंडियन लोगों की क्या डिमांड है, तो क्या उस कंपनी में काम कर सकते हैं? कंपनी अमेरिका की है, काम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि काम करने का तरीका क्या है। अगर कोई आदमी सरदारों की बस्ती में और नाई की दुकान खोल ले, चलेगी क्या वो? जिस समझ में आएगा तब समझ लेना आप उसको। तो हिंदुस्तान में काम करना है तो हिंदुस्तानी कंपनी होनी चाहिए, यस या नो। हम इंडियन है और हमारी कंपनी भी इंडियन है तो इसमें काम कर सकते हैं। कैपिंग की बात करते हैं, बहुत सारी कंपनी बोलने के लिए अनलिमिटेड अनलिमिटेड देती हैं, एक आध बंदों को सेट वेट कर लेती हैं कि भाई इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं, ये गोरा सा लग रहा है इसको थोड़ा ज्यादा दे दो, सकल देख देख करके पेमेंट देती हैं कई कंपनी। लेकिन अपनी कंपनी है पूरी की पूरी ईमानदारी से, न किसी का एक रुपया रोकती है, न किसी को एक रुपया फालतू देती है। और मैं आपको बता दूं, कैपिंग पूरे भारत में कोई कंपनी नहीं है हिंदुस्तान में जो 28 लाख रुपए महीने की कैपिंग देती हो। सेफ सब कंपनी 28 लाख रुपए महीने की कैपिंग देती है। तो इसमें काम करना चाहिए दमदारी से, यस या नो। जिन जिन लोगों ने दमदारी से काम किया उन्होंने क्या क्या बनाया। हम लोग पैसे की बात करते हैं, पैसा, हम लोगों को सबको पैसा चाहिए, पैसा पैसा जब से अपन लोग चिल्ला रहे थे। लेकिन पैसे के लिए जो दो चीज आप लोगों ने सुनी होगी, एक होता है मनी सेविंग और एक होता है मनी मेकिंग। क्या महत्वपूर्ण है, मनी सेविंग या मनी मेकिंग? मेकिंग। सेविंग के बारे में क्या ख्याल है, कितने लोग मानते हैं मनी मेकिंग जरूरी है?
वेरी गुड। कितने लोग मानते हैं सेविंग भी जरूरी है? और जिन लोगों ने दोनों में से हाथ खड़ा नहीं किया वो क्या मानते हैं? संभव माया, कोई कुछ भी जरूरी नहीं है। अच्छा, तो लेकिन लोग बोलते हैं साहब यहां से कितना पैसा सेव कर सकते हैं? अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, हमारी एनर्जी जो लगी हुई है, टोटल टाइम जो हमारा निकल रहा है वो किस चीज में निकलता है? 99% इंडियन लोग केवल मनी सेविंग में ही अपना टाइम बिताते हैं, मेकिंग में नहीं। लेकिन आप कितनी भी मनी सेविंग करो, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, क्या कोई इंसान अपनी जिंदगी में अपनी इनकम से ज्यादा सेविंग कर सकता है? कोई 20,000 रुपए महीने कमाता है तो मैक्सिमम कितनी सेविंग कर सकता है? मैक्सिमम 20,000 कमाता है तो 20,000 कर सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं। अगर वो केले के पत्ते लपेट के घूमे, हवा पानी खाए, तो भी कितनी कर लेगा? 20,000 कमाने वाला ज्यादा से ज्यादा 20,000 ही कर सकता है। लेकिन मेकिंग की अगर हम बात करें, मेकिंग की कोई लिमिट है क्या? मनी अगर मेकिंग करने पर अगर इंसान आए तो कितनी मनी मेकिंग कर सकता है? कितनी? अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इतना पैसा बना सकते हैं। लेकिन अपन लोग एनर्जी कहां लगाते हैं? मनी सेविंग में। सब्जी वाले से बहस करेंगे, उसने बोला आलू क्या भाव? बोले 12 रुपए किलो, बोले 10 दूंगा। आधा घंटा चाहे बहस करनी पड़े, 10 में ही राजी कर लेंगे, घर आके बड़े घुसेंगे, साड़ा भाड़े मांग रहा था, 10 ही दे के आया हूं, हैं? इतने खुश हो रहे हैं, 2 रुपए बचा लिए, हैं? मनी सेविंग के चक्कर में इंतजार करेंगे शॉपिंग का कि कब सेल आएगी। मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, बृहस्पति बाजार कहां कहां लगते हैं सबको एड्रेस मालूम है। जितने की सेविंग नहीं होती उससे ज्यादा की जेब कट जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो मंगल बाजार लगा रहा है वो मंगल बाजार वाला भी पागल नहीं है। वो कितना भी तुम लोगों को डिस्काउंट दे दे फिर भी प्रॉफिट में वही रहेगा। हेलो, दो प्राणी इस दुनिया में है, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। कमीशन और मनी मेकिंग जो होगा वो खरीदने वाले को नहीं मिलेगा, वो बेचने वाले को मिलेगा। आप सिर्फ सेविंग कर सकते हो, मेकिंग जो करेगा वो बेचने वाला करेगा। कौन करेगा? आप जिंदगी भर जब तक कस्टमर बने रहेंगे आपसे दूसरे लोग कमाते रहेंगे। आप जब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, चाहे आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन आप जब बेचने लग जाओगे, जब आप सेलर बन जाओगे तो आप पैसा बनाने लग जाओगे। समझ में आ रहा है? यस या नो? तो लोग जब भी कोई प्रोडक्ट देखेंगे, सूट की बात करेंगे, साड़ी की बात करेंगे, उन नोनी को देखेंगे, हर चीज में ये देखेंगे इसमें मेरे को तो कितना, मैं वहां से ले लूंगा तो इतना बच जाएगा, वहां से ले लूंगा तो इतना बच जाएगा। अगर मैंने ये सूट मान लो इस सेफ शॉप कंपनी से लिया और कंपनी ने मुझे दिया ये 3,500 का, और कोई भाई साहब बोले कि ये तो मिल जाएगा 1500 में, मैं मानता हूं हो सकता है ये कहीं से 1500 का मिल जाएगा, लेकिन क्या उस 1500 रुपए के सूट के संग लाखों रुपए महीने की इनकम मिलेगी? खरीद लो सस्ता वाला, कर लो सेविंग। सेविंग कर करके जिंदगी में अमीर नहीं बना जा सकता, अमीर बनना है तो मनी मेकिंग करके बना जा सकता है। यस या नो? एक सेविंग करने वाला आदमी जितनी कमाई करता है वो अगर चाहे तो चाह करके भी वो 1500 रुपए या 2000 रुपए की टाई नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी इनकम की लिमिट है। लेकिन जो इंसान मनी मेकिंग करता होगा वो 10,000 की भी टाई लगा सकता है, 25,000 की भी टाई लगा सकता है, वो 1,00,000 की भी टाई लगा सकता है। यस या नो? तो लोग बोलते हैं ये साहब ये वाली टाई महंगी है, ये वाली सस्ती है। महंगी सस्ती किसके लिए है? जिसने मनी मेकिंग कम कर रखा है उसके लिए वो महंगी है, लेकिन जो मनी मेकिंग ज्यादा करता जा रहा है उसके लिए कोई महंगी सस्ती नहीं है। यस या नो? एनर्जी को अगर लगाना है तो कहां लगाना चाहिए? और मनी मेकिंग करना है तो मेकिंग करने का क्या फॉर्मूला है? आप सारे लोगों को मालूम होगा, सारे के सारे लीडर्स यहां पे बैठे हैं, रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू इनकम, यही होता है इनकम का फॉर्मूला। या तो अपना भाव बढ़ा लो, जो भी काम आप अपनी जिंदगी में करते हैं उसको अगर आप हाई रेट में करने लग जाओगे तो आप अमीर बन सकते हो। हर आदमी की अपनी अपनी एक रेट होती है। मार्केट में अगर आप जाओगे तो एक कारपेंटर को देख लो, एक 300 रुपए का कारपेंटर है, एक 500 रुपए का भी है, एक 1,000 का भी है, एक 10,000 का भी है, और 1,00,000 का भी है, 1 करोड़ का भी है। सारे लोगों की रेट अलग अलग है, ऐसा है कि नहीं?
मार्केट में कलाकार जाकर के ढूंढ लो, एक कलाकार रामलीला वाला मिल जाएगा 200 रुपए में, उसको सब्जी पूरी खिला देना, पूरे दिन गाना गाता रहेगा, यस या नो? और एक कलाकार सलमान खान भी है, अगर उसने शकल भी दिखाई तो उसके भी करोड़ों रुपए लेगा, ऐसा है कि नहीं? दोनों की रेट का अंतर है।